In this video, I'll tell you the price, the doses of the medicine, and how you can treat maggots properly in your dog or cat. So please watch the video till the end. Hi, welcome back to our channel, Printed Paws. तो आज मैं आप लोगों को मैगट्स के ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगी, जो फेड्रो को हुआ था उसका वीडियो मैंने बनाया था, यूट्यूब में डाला भी था, तो वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो हम लोगों ने फेड्रो को कैसे प्रॉपरली क्योर किया और हमारे वेट ने क्या क्या मेडिसिन दिए थे, सो लेट्स गो इन टू द वीडियो। ये डीमैक स्प्रे है, इट्स बोथ फॉर कैट्स एंड डॉग। डॉग्स के लिए टॉक्सिक नहीं होता है, बट कैट्स के लिए टॉक्सिक होता है। और साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि अगर कैट ये लिक कर ले तो वो उसका एपेटाइट कम हो जाता है या फिर ज़ीरो हो जाता है एपेटाइट, और वो लोग कुछ नहीं खाते। सो ऐसे ही उनको, उनका तबीयत ख़राब होता है, तो अगर वो कुछ नहीं खाएंगे तो वो और वीक हो जाएंगे। सो यू मेक श्योर दैट आप जब भी ये उनके वो मैगेट अफेक्टेड एरिया में अप्लाई करोगे तो कैट अपनी बिल्ली को ई कॉलर पहनाएं। ई कॉलर से ये होगा कि इट विल प्रिवेंट देम फ्रॉम लिकिंग दैट एरिया जहाँ पे आपने ये स्प्रे लगाया है। इसे दो बार देना है, ओके, लाइक सुबह और शाम में या फिर रात, वॉट एवर। और इसका एक नॉजल भी आता है, बट आपको मैं एक अच्छा टिप देना चाहूँगी कि ये जब स्प्रे करते हैं तब एक बहुत आवाज़ आता है, लाइक टाइप्स, लाइक जैसे स्प्रे का आता है नॉर्मली, बट इसका बहुत ज़्यादा प्रेशर है तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आता है, और यूजुअली कैट्स या डॉग डर जाते हैं। तो आप इसे पहले कॉटन में स्प्रे कर लें और उसके बाद वो एरिया में अप्लाई कर दें और अपने हाथ को अच्छे से धो लें। मेक श्योर आप भी इससे दूर रहें, मतलब डोंट अप्लाई इट ऑन एनी अदर पार्ट ऑफ द डॉग और कैट एक्सेप्ट फॉर दैट एरिया। और फिर ये है रिलैक्साइम। अच्छा, मैं प्राइस भी बता देती हूँ, क्योंकि इसका प्राइस कितना है भाई, इसका प्राइस 110 रुपये है, ठीक है। ये होता है जो रिएक्शंस होते हैं वहाँ वो अफेक्टेड एरिया में मैगट्स की वजह से, और फिर वो लोग अपना उस रिएक्शन में एंजाइम वेंजाइम छोड़ते हैं। वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, 60 to 70 degrees, और इसी वजह से वो जो फ्लैश होता है वहाँ का वो पिघल जाता है, मतलब गल जाता है। तो ये वो उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए होता है। ये 10 tablets हैं, एक सुबह एक शाम, तो 5 days के लिए होते हैं, ठीक है। इसका प्राइस आप देख सकते हैं, 230 rupees है। तो ये सेफ पेट का ड्राई सिरप है जिसको आपको मिला के खाना है, मतलब आपको नहीं खाना है, डॉग या कैट को खिलाना है। तो ये आपको 1 या 2 week के अंदर ख़त्म करना पड़ता है, अदरवाइज ये येलो हो जाता है। इसका पूरा वीडियो मैं लिंक में दे दूंगी जहाँ पे मैंने टैबलेट और सिरप को कंपेयर किया है, आप वो देख सकते हैं। तो अगर ये 2 ml फॉर 4 kg बॉडी वेट, तो अब आप बाकी का हिसाब लगा लीजिए, ओके, 2 ml फॉर 4 kg बॉडी वेट। और ये 100 mg का आता है, तो अगर 4 kg बॉडी वेट है आपके कैट का तो ये हाफ देना है, मतलब 50 mg, ठीक है। ये भी सुबह और शाम दोनों, लाइक ईदर ऑफ द टू, या तो सिरप या टैबलेट, ओके। और ये अगर हो गया, ठीक है, खिलाने वाला, एंड ये बीटाडाइन सोल्यूशन है। इससे आपको ड्रेसिंग करना होगा जो एरिया अफेक्टेड है। पहले तो अगर आप वेट के पास लेके जाएंगे इट्स वेरी गुड, वो आपको दिखा देंगे एक बार करके कि कैसे ड्रेसिंग करना है, क्योंकि ड्रेसिंग करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जो मतलब ऑलरेडी मैगेट्स या फिर जो भी फ्लैश है, पस या जो भी है, जो खरा, मतलब अब डेड हो चुका है, उसको फेंक देना है निकाल के। और इसके यूज़ से भी बहुत सारे मैगेट्स मर जाते हैं, तो उसको आप कॉटन से या फिर स्टेराइल गॉज से बीटाडाइन में डिप करके वो एरिया को साफ़ करिए। लाइक अगर आप एक बार वेट के पास जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा, वो आपको दिखा देंगे। और डॉग के लिए फिर भी इजी होता है साफ़ करना और ड्रेसिंग करना, लेकिन कैट के लिए इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, वो लोग बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। सो यू नीड 2 people टू होल्ड देम एंड 1 person टू डू द ड्रेसिंग। तो पहले आप स्टेराइल गाउज लेंगे,
बीटाडाइन में डुबाएंगे और जो भी अफेक्टेड एरिया है जितना भी डीप है उसमें अच्छे से रब करके उसको पूरा साफ करेंगे एंड फिर और एक बार कॉटन में डिप करके बस सामने का एरिया और पूरा एरिया साफ कर देंगे, जैसे हम अपने वूंड पे डिटॉल लगाते हैं ना वैसे ही। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी मेडिसिन के रिव्यू या फिर यूजेज या फिर डोजेज के वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें एंड कमेंट बिलो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन।